एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस में। ठीक है, तो मिशन 2023 में ये लेक्चर सेकंड है, अध्याय एक संबंध एवं फलन का। तो अगर आप लोग पहला लेक्चर देखे हो तो आप लोग को मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो संबंध के प्रकार समझा रहा हूँ और दो प्रकार में बता दिया था। ये तीसरा प्रकार है और चौथा प्रकार भी करवाऊंगा इसी वीडियो में, और उदाहरण करवाऊंगा, प्रश्न करवाऊंगा ये वीडियो में। ये जो सेकंड वीडियो है इसमें पूरा संबंध खत्म हो जाएगा, आपका संबंध खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसके बारे में बहुत डीप में जानना चाहते हैं, ठीक है, डीप में जानना चाहते हैं, तो मैं अपने जो हमारे प्ले स्टोर में अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस का ऐप है हमारा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बहुत डीप में पढ़ाया हूं मैं। अभी अब कुछ ही समय बाकी है एग्जाम को, ठीक है, तो चाहो तो आप वहां से परचेस कर भी सकते हो। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है ना आपके बुक में उसको लगा लेना, आप लोग से बनेगा। तो देखो, संक्रामक संबंध के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी परिभाषा में मत जाओ, मैं आप लोग को बताऊ रहा। मैं बोला अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब ए के ही अवयव है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और भी और लिख देता हूं मैं, अच्छा रहेगा, और यहां पे मैं लिख रहा हूं y, z belongs to R, तो फिर implies that, यहां पे ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये बोल रहा है संक्रामक संबंध, आपको यह बोल रहा है अगर संबंध R में x, y और y, z है तो तभी बात करेंगे x, y, y, z। इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, देखो ये खत्म किससे हो रहा है, ये खत्म y में हो रहा है, देखो ये खत्म किस में हो रहा है, y में, ये y में खत्म हो रहा है, और ये चालू किस में हो रहा है, देखो ये चालू किस में हो रहा है, ये वाला, ये y में चालू हो रहा है, मतलब यहां पे जिससे खत्म हो रहा है और यहां पे जिसमें चालू हो रहा है, तभी हम लोग को संक्रामक संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये y और y को छोड़ दो, क्या बचा x और यहां क्या बचा z, तो मेरे को x, z belongs to R दिखना चाहिए, belongs to R दिखना चाहिए। यह बोल रहा है यदि किसी समुच्चय A में, ठीक है, किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि x, y, z ये अवयव है belongs to A के लिए, यहां पे वही लिखा है, देखो x, y belongs to R, x, y belongs to R, y, z belongs to R है, देखो y, z belongs to R, यहां पे वाला y अगर यहां पे कुछ भी हो, यहां पे ये जिससे खत्म हो रहा है उसी से चालू होगा, उसी से चालू होगा, तभी देखेंगे संक्रामक को, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो क्या होना चाहिए, ये x, z belongs to R हो तो R संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज में अगर मैं आप लोग को एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से यहां पे बस देखते रहना, बस यहां पे बस देखने का काम है आप लोग का। अगर मैं बोला ये मैं R ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बोला 1, 2, ध्यान से देखना, ये हुआ 2, 1, ये कॉमा 1, 1, ये मैं बताया, मुझे आप लोग ये बताओ कि ये संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे अब ये किस में खत्म हो रहा है, 1, 2, 2 में खत्म हो रहा है, तो मैं देखूंगा 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ ये है 2 से शुरू होने वाला, तो देखो ये क्या है 1, 2 और ये क्या है 2, 1, हाँ भाई, तो इसको मैं नहीं लूंगा, किसको लूंगा 1, 1, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए 1, 1, देखो इसमें 1, 1 मिल रहा है क्या, मिल रहा है, तो ये पास हो गया, मैं इसके लिए किया था। अब देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, ये यहां पे खड़ा हूं,
ये क्या है 2.1, देखो 2.1 एक में खत्म हुआ, एक से शुरू होने वाला कोई है क्या, एक से शुरू होने वाला ये भी है, ये भी है, आप कोई भी ले सकते हो। चलो मैं इसको लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2.1 और ये होगा 1.1, तो इन दोनों को तो नहीं लेते हम लोग, तो क्या बचा 2.1, क्या 2.1 है क्या, 2.1 इसमें है क्या, हाँ 2.1 है, यहीं पे है, तो ये पास हो गया। अब 1.1 में मैं आया, खत्म एक में हो रहा है, देखो एक से शुरू होने वाला कोई है क्या, ये है, तो देखो 1.1 और इसको लूंगा मैं, क्योंकि एक में खत्म हो रहा है और ये एक से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये y, ये जिसमें खत्म हो रहा है और जिसमें चालू हो रहा है उसको नहीं लेते, जो बच गया उसको लेते हैं, तो इन दोनों को मैं नहीं लूंगा, बचा क्या 1.2, है क्या 1.2 कहीं पे, 1.2 है क्या, हाँ 1.2 है यहाँ पे, तो यहाँ ये भी पास हो गया, सब पास पास हो गए, पास हो गए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो ये इसको मैं बोलूंगा कि ये संक्रामक है। अभी देखो एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, 1.2 3.2, देखो 1.2 है, किसमें खत्म हो रहा है, 2 से, तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, पास कर दो, पास कर दो, अगर शुरू होने वाला होता तभी मैं चेक करता, अगर नहीं है तो पास कर दो उसको, पास कर दो। यहां पे देखो 3.2 मतलब कि 2 में खत्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या इसमें, 2 से शुरू होने वाला ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो चेक ही नहीं करेंगे, पास कर देंगे, तो इस केस में भी ये संक्रामक हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें बिना चेक करे हम लोग संक्रामक बोल देंगे। हमारा ये कंडीशन अगर हुआ कि जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से चालू हुआ तभी मैं चेक करूंगा, अगर ऐसा कंडीशन है ही नहीं तो उसको पास कर दो, बोल दो भैया संक्रामक है। तो एक उदाहरण मैं आप लोग के लिए रखा, चलो देखो अब इसमें ध्यान से देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैं ट्रिक बताऊंगा, जो जो ना आपको सेम नंबर दिख रहे हैं उसको पास कर दो, उसको पास कर दो, ट्रिक बता रहा हूं, तो जो सेम नंबर दिख रहा है उसको पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। अब बच्चा क्या 1.2, 2 में खत्म हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, ये है 2 से शुरू होने वाला, देखते हैं ये 1.2 हुआ और ये 2.2, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बीच का हम लोग नहीं लेते, तो क्या बचा यहां से 1.2 है क्या इसमें, 1.2 है क्या इसमें, 1.2, 1.2 नहीं है, अरे है तो यही तो है, 1.2 तो है, इसको काटने के बाद 1.2 है, 1.2 है, पास हो गया, तो ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसमें देखो ये ट्रिक बताया मैं कि जो जो सेम है ना उसको पास कर दो, जो जो सेम है ना उसको पास कर दो, पास कर दो। अब इसको देखो 1.2 और यहां 2.1, ये भी है 2.3, 2 में खत्म हो रहा है और 2 से शुरू होने वाले 2 ठो है, किसी को भी ले लो, किसी एक को ले लो, जैसे 1.2 मैं इसको लिया 2.1, तो इसमें मैं 2-2 को छोड़ दूंगा, तो क्या आया यहाँ पर से 1.1, 1.1 है क्या, हाँ 1.1 है, ये पास हो गया। अब 2.1 देखो कोई एक से, ये एक में खत्म हुआ, एक से शुरू हो रहा है क्या कोई, हाँ ये शुरू हो रहा है, तो ये 2.1 तो ये 1, और ये 1 को नहीं लूंगा तो 2.1 बचेगा। देखो 2.1 है क्या कहीं पे, 2.1 है क्या कहीं पे, हाँ 2.1 है, और यहीं पे चेक कर रहे थे पास। 2.3, 3 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 3 से शुरू होने वाला ये है, 3 से शुरू होने वाला है, तो ये क्या हुआ 2.3 और ये हुआ 3.3, तो अगर इन दोनों को छोड़ा तो क्या बचेगा 2.3, देखो 2.3 है क्या कहीं पे, 2.3 है क्या, हाँ 2.3 है। अब 3.2 देखो, 2 से शुरू होने वाला कोई है, 2 से शुरू होने वाला ये भी है, ये भी है, कोई भी ले लो, मैं इसको ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3.2 और ये हो जाएगा 2.2। अब इन दोनों को नहीं लेंगे तो क्या बचा 3.2 है क्या इस पूरे आर में, 3.2 है क्या पूरे आर में, इस 3.2 हाँ है, तो ये क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। अब इसको आप लोग बताओ, मैं बोला इस लोग को छोड़ देना, ठीक है इसको पास कर देना, 1.2 2 से कोई शुरू हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये 1.2 और ये 2.1, इन दोनों को तो नहीं लूंगा, तो बच्चा 1.1 देखो 1.1 है क्या, 1.1 है क्या इसमें से, 1.1 है, 1.1 नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ये नहीं है, लिखेंगे आप अतः यह संक्रामक नहीं है, इसको लिखेंगे यह संक्रामक है,
यह संक्रामक है। अभी एक और लाइन ऐड कराऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। 2.2 पास कर दो, इसको पास कर दो। 1.2 दो से शुरू होने वाला कोई है, ये है, तो ये हो जाएगा 1.2 और ये हो गया 2.2। तो इस 2 और इस 2 को नहीं लूंगा तो 1.2 बचे और 1.2 है, मतलब ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है। इसको राइट करो भाई, राइट करो, ये संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये आप लोग को बेसिक बताया मैं, ये आप लोग को बेसिक बताया, ठीक है, लिखते कैसे हैं आगे मैं बताऊंगा, ये आप लोग को मैं पूरा बेसिक बता दिया। और चौथा क्या है, तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो तुल्यता क्या होता है, जो स्वतुल्य भी है, जो सम्मित भी है तथा जो संक्रामक भी है। हमने स्वतुल्य सीख लिया था, सम्मित भी हम लोग सीखे हैं, संक्रामक अभी अभी सीख के आए हैं। स्वतुल्य होता है खुद का खुद से कनेक्शन, सम्मित होता है जो दिख रहा है उसका उल्टा भी हो। संक्रामक क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, उस केस में हम लोग को एक्स कॉमा जेड मिलना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको तुल्यता संबंध बोल देते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोग, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ कि ये इस साल आया है, ये इस साल आया है, अरे बेस बना रहा हूँ भाई, किसी भी साल आया हो बेस बन जाएगा तो सब हो जाएगा। देखो निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, ठीक है। आपको समुच्चय ए दे दिया है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर का ये दे दिया है, ये दे दिया, याद है आपको रोस्टर रूप लिखाया था मैं, रोस्टर रूप, और उसके नीचे जो लिखाया था ये उसी फॉर्म में है क्या, ठीक है, ये उसी फॉर्म में है, ध्यान से देखना ऊपर वाला, और ये देखो ध्यान से देखते रहो, मेरे को समुच्चय ए दे दिया हुआ है, ठीक है, समुच्चय ए, मतलब यहाँ पे मैं हल लिखूंगा, ये मैं लिखा हल, समुच्चय ए मेरे को गिवन है, समुच्चय ए मेरे को गिवन है, ठीक है। ये समुच्चय ए क्या गिवन है, 1.2.3.4 and --13.14, ये मेरे को समुच्चय ए दिया है, मतलब समुच्चय ए के अवयव तो मेरे को मालूम है, ये पूरे एक्स हैं, ये पूरे एक्स हैं, और मेरे को वाई नहीं मालूम, यहाँ पे देख रहे हो एक्स तो मेरे को मालूम है समुच्चय ए का अवयव, अब समुच्चय बी का अवयव मेरे को नहीं मालूम है, वाई, वाई नहीं मालूम, लेक्चर वन में पूरा बताया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर से यहाँ पे दिया है, पूरा ध्यान से लिखेंगे, पूरा ऐसे करके लिखना है, दिया है, क्या दिया है, x और y के बीच देखो संबंध क्या है, 3x - y = 0। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो y = 3x आ गया, y = 3x आ गया, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू इसमें रखते जाऊँगा, x की वैल्यू मैं इसमें रखते जाऊँगा और y की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, ठीक है। अगर मैं ये समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक से अब ध्यान से देखते जाओ आप लोग, बस ध्यान से बस देखते जाना और कुछ मत करना, बस ध्यान से बस देखते जाना, लिखने का पूरा एकदम तरीका होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण एक में x की वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, x क्या दिया है, देखो पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर में क्या है, 1, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दिया तो 3 × 1 मेरे को क्या मिलेगा, 3। अब x की वैल्यू मैं 2 डाल रहा हूं, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो मेरे को मिलेगा 6। अगर x की वैल्यू मैं 3 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, 9। वैसे ही करते 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 मैं कहां तक जाने वाला हूं, अभी देखते रहना, ट्विस्ट है भाई, ध्यान से देखो, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जब x की वैल्यू मैं 4 डालूंगा तो 4 × 3 मेरे को 12 मिलेगा, 12। और y की वैल्यू क्या मिलेगी जब मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, ये देखो x की वैल्यू तो पूरा 1 से लेकर 14 तक है, तो क्या मिलेगा, 5 × 15। बस ध्यान से देखो, पूरा नहीं डालना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं ये वाला कंडीशन को नहीं लूंगा, क्यों, अभी प्यार से बता रहा, ध्यान से देखना, ये है समुच्चय ए, ठीक है, ये है समुच्चय ए और ये है समुच्चय बी, ये है समुच्चय बी। समुच्चय ए का अवयव क्या है, x, समुच्चय बी का अवयव क्या है, y। हमको ए का अवयव दे चुका है क्या, 1
टू थ्री डैश 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 कहां तक, 14 तक दिया है, डैश 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 14 तक दिया है, ये हो गया। और हम लोग समुच्चय बी का अवयव जो वाई है वो वाई को निकाले, वाई को निकाले, देखो क्या निकाला मैं, 3, 6, 9, 12। आप बोलोगे सर 15 भी रखो, फिर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 18 भी आएगा, फिर 21 भी आएगा, लेकिन मैं यहां पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हमारा जो रेंज है 1 से लेकर 14 तक है, तो हम लोग 14 के आगे नहीं बढ़ेंगे, 14 के आगे नहीं बढ़ेंगे। यहां पे क्या है, 15 हो गया जो कि 14 से ज्यादा है, तो 14 के जैसे ज्यादा होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू मेरे को 3 मिला, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 6 मिला, x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 9 मिला, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखा तो y की वैल्यू मेरे को 12 मिला। अब मैं नहीं रख सकता, अब मैं नहीं रख सकता आगे, क्लियर है? तो ये मेरे को आ गया। और हम लोग को ना, हम लोग को जो मैं आप लोग को शुरू में समझाया था, यहीं से हम लोग, यहाँ से हम लोग स्वतुल्य संक्रामक सममित यहीं से देखते हैं, तो हम लोग फाइनली वहां तक आ गए। अब हम लोग को बताना है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद से कनेक्शन स्वतुल्य होता है। तो मैं स्वतुल्य की मैं बात किया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, आप एक के नीचे एक के नीचे एक बाकायदा लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वतुल्य की मैं बात कर रहा हूं, स्वतुल्य की मैं बात किया, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध की मैं बात किया। तो देखो स्वतुल्य संबंध में खुद का खुद से कनेक्शन होता है, मतलब एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए, दो का दो से कनेक्शन, तीन का तीन से कनेक्शन, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक का एक से कनेक्शन R में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसके बाद लिखेंगे दो का दो से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन होता तो बिलोंग्स टू R, नहीं है तो ऐसे करके काट दिए। ऐसे करते 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 मैं कहां जाऊंगा, 14 है तो 14 से 14 का कनेक्शन नहीं है, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, पांच का पांच से, नहीं है स्वतुल्य, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। आप लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं। अब आया सममित की पारी, सममित के बारे में बात करूंगा, सममित के बारे में बात कर रहा हूं, सममित संबंध के बारे में बात कर रहा हूं। सममित संबंध क्या होता है, जो दिख रहा है उसका उल्टा भी हो, जो दिख रहा है उसका उल्टा भी हो, मतलब अगर x, y belongs to R तो फिर y, x belongs to R होना चाहिए, ठीक है, जो दिख रहा है उसका उल्टा भी। तो यहां पे 1, 3 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 3, 1 नहीं दिख रहा है। अब आगे नहीं जाएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, तो यहां पे देखो 1, 3 बिलोंग्स टू R है, हाँ है 1, 3, लेकिन इसका उल्टा, लेकिन 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 इसका जो उल्टा है ना, 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात करेंगे, कहाँ है संक्रामक की बात करेंगे, अब देखो संक्रामक की बात करेंगे, ध्यान से देखते जाना। तो अगर इसको मैं रोस्टर रूप में पहले मैं लिख लूं, आप लोग को रोस्टर रूप में अगर मैं लिखूं तो इसका क्या बनेगा, R 1 का संबंध 3 से और यहां 2 का संबंध है 6 से, 3 का संबंध है 9 से और 4 का संबंध है 12 से, ठीक है, ये सममित हो गया। अब आप लोग लिखेंगे संक्रामक, लिखो संक्रामक, यहां पे मैं लिख रहा संक्रामक, संक्रामक, ये संक्रामक लिखा मैं। देखो 1, 3 तीन से शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ 3 से शुरू होने वाला ये है, ठीक है, तो ये 3 और ये 3 को नहीं लूंगा मैं, तो क्या बचा 1, 9, 1, 9 है क्या इसमें, 1, 9 है क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यहां पे देखो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये है 1, 3 और ये है 3, 9 तो ये और ये मैं नहीं लेता संक्रामक में, जो बच गया क्या 1, 9 इसमें है क्या, 1, 9 नहीं है, तो आप ऐसे लिखेंगे यहां पे, इसके नीचे आप लोग लिखना, इसके नीचे लिखना 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो आप लोग को बता दिया स्वतुल्य सममित और संक्रामक के बारे में, बेहतरीन टाइप से बताया, और आप लोग को एक के नीचे एक लिखते जाना है, ठीक है,
अब मेरा बोर्ड ऐसा नहीं है ना, ऐसा होता तो ऐसे पूरा लिखता, ऐसा है मेरा बोर्ड तो ऐसे लिख रहा हूँ, तो आपको ऐसे नहीं लिख रहा, एक के नीचे एक के नीचे एक बेहतरीन टाइप से लिखते जाओ, तो ऐसा आएगा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन आया, आप निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय ए दे दिया और आर भी दे दिया संबंध, ठीक है, तो समुच्चय ए दे दिया तो मैं समुच्चय बी निकाल लूंगा। यहां पे भी तो यही हुआ था, समुच्चय ए मेरे को दिया था और एक संबंध दे दिया था जिससे मैं अगला समुच्चय निकाल लिया। ये देखो यहां पे भी यही करना है, यहां पे भी यही करना है, तो समुच्चय ए क्या दिया हुआ है। अब हम लोग हल लिखेंगे, हल ये मैं लिखा हल, चलिए हल लिख लिया मैं, तो ए दे दिया है, अगर पहला समुच्चय दे दिया तो एक्स का अवयव दे दिया, क्या दिया है, एक दो तीन चार पांच छह, ये लो, ठीक है, समुच्चय ए के बारे में दे दिया है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, ये समुच्चय ए में इसने मुझे दे दिया है क्या, एक दो तीन चार पांच छह, ये दे दिया। अब समुच्चय बी का मैं फाइंड करूंगा अवयव, ये है x और ये है y। चलो समुच्चय b निकालने के लिए मेरे को एक रिलेशन दिया है, यहां पे लिखो दिया है या दिया गया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, संबंध y, देखो क्या है, y भाज्य है x का, मतलब y, इसको पूरा लिख लेते हैं अच्छा लगेगा ऐसे, यहां पे y भाज्य है, y भाज्य है x से, x से, तो इसको कैसे लिखते हैं, y डिवाइडेड बाई x, y बटा x, y बटा x दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को x तो मालूम है, y निकालना है, ठीक है, x मालूम है, y निकालना है, तो ध्यान से देखो, a मेरे को दिया हुआ है, a मेरे को दिया हुआ है और मेरे को बताना है सममित संक्रामक स्वतुल्य। तो ध्यान से देखो इस केस में क्या दिखेगा, भाज्य जब आया ना, आप इसको एज इट इज लिखो, एक दो तीन चार पांच छह, ध्यान से देखते रहना। अब आपको देखो जो है ना ए में उसको बी में उतार दो, देखो कैसे आप लोगों को बता रहा, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, देखो ध्यान से देखना, ये वाई है ये एक्स है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तीर ऐसे ही डालना लेकिन इसमें उल्टा चलना है, डिवाइड वाले में उल्टा चलना, एक बटा एक होगा, ये पूरा वाई है ना, मेरे को वाई बटा एक्स करना है, ये वाई बटा एक्स होगा, दो बटा एक दो आएगा, वाई बटा एक्स तीन बटा एक हो गया, ये वाई बटा एक्स, ये वाई बटा एक्स, ये वाई बटा एक्स, ठीक है, और तीर ऐसे ही डालना भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, सब भाग जाएगा, एक बटा एक एक, दो बटा एक, पहले वाई का लिखना है, पहले वाई का लिखना है, लेकिन तीर ऐसे ही डालेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा इधर उधर होगा, है ना, थोड़ा सा हौच पौच होगा, इसमें देखो दो दो से डिवाइड होगा, ये दो बटा, सॉरी ये दो, दो भागी दो, चार भागी दो, छह भागी दो, ये हो सकता है, हो सकता है, दो भागी दो एक होगा, चार भागी दो दो होगा, छह भागी दो दो, ठीक है, दशमलव असमलव में नहीं आना चाहिए। अब देखो इस तीन की बात कर रहा हूं, तो तीन किससे भाग होगा, तीन बटा तीन और छह बटा तीन, ठीक है। अब चार किससे होगा, सिर्फ चार बटा चार से होगा। अब देखो भाई थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है लेकिन इसको चला लेना, अब पांच पांच बटा पांच होगा, ये छह बटा छह होगा, अब हौच पौच हुआ है भाई थोड़ा सा, बस कंसेप्ट समझो, इस एक को टारगेट किया तो देखो उल्टा चलो, एक बटा एक दो बटा एक तीन बटा एक चार बटा एक दिस, अब दो को मैं टारगेट किया, अब देखो दो को टारगेट किया था, एक बटा दो मत करना दशमलव में आएगा, दो बटा दो हाँ जाएगा, तीन बटा दो नहीं, चार बटा चार सॉरी चार बटे दो हो जाएगा, छह बटे दो हो जाएगा, अब तीन को मैं टारगेट किया, एक बटा तीन तो नहीं होगा दशमलव में आएगा, दो बटा तीन दशमलव में आएगा, तीन बटा तीन हो सकता है तो जोड़ दिया, चार बटा तीन नहीं, पांच बटा तीन नहीं, छह बटा तीन हो सकता है, वैसे चार को देखो, एक बटा चार दशमलव में, दो बटा चार एक बटे दो आएगा, तीन बटा चार नहीं तो चार बटा चार ही हो सकता है, ऐसे करके मैं बनाया, ठीक है ये बनाया। तो हमारा आर क्या आया यार, आर क्या आया, आर देखो, आर आर आया है एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, बहुत बड़ा आया है, एक कॉमा तीन, और लिखना है आपको एक कॉमा चार, एक कॉमा पांच और एक कॉमा छह,
गजब। अब दो के साथ क्या आया है, दो कॉमा दो, दो कॉमा चार और फिर दो कॉमा छः। अब तीन के साथ तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा छः, ठीक है। चार के साथ बताइए, चार कॉमा चार, फिर क्या है, पाँच है क्या, मेरे ख्याल से पाँच है क्या, हाँ पाँच कॉमा पाँच और फिर छः कॉमा छः। ये मैं बना लिया अपना संबंध बना लिया। अब मेरे को सममित बताना है, ये पिछले क्वेश्चन टाइप का करना है आपको, पिछले क्वेश्चन टाइप का। तो आप लोग पहला हेडिंग डाल दो भाई, हेडिंग बोल रहा हूँ, सॉरी हेडिंग नहीं, आप लोग लिखिए संबंध, सॉरी संबंध नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। देखो एक का संबंध एक से है, बाकी किसी से भी हो, दो का संबंध दो से भी है, तीन का संबंध तीन से भी है, चार का चार से, पांच का पांच से, छह का छह के। मतलब मैं लिखूंगा एक का संबंध एक से है, बिलोंग्स टू आर, दो का संबंध दो से बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके कहां तक है, छह का संबंध छह बिलोंग्स टू आर। अतः यह स्वतुल्य है, लिख दो अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद अब मैं आऊंगा सममित में। अब सममित क्या होता है, जो दिख रहा है उसका उल्टा भी दिखे, उसका उल्टा भी दिखे। मतलब अगर x, y belongs to R implies that y, x belongs to R होना चाहिए, जो दिख रहा है उसका उल्टा। एक कॉमा एक का उल्टा वही होता है, एक कॉमा एक ही होता है, तो ये पास हो गया। एक कॉमा दो का उल्टा दो कॉमा एक होता है, कहीं पे है क्या दो कॉमा एक, दो कॉमा एक, दो कॉमा एक नहीं है। तो यहां पे आप लिखोगे एक कॉमा दो बिलोंग्स टू आर, लेकिन 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 दो कॉमा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर में परिभाषित नहीं है दो कॉमा एक, दो कॉमा एक, समझ में आया। अब संक्रामक देखना है आपको, संक्रामक के बारे में बात कर रहा हूं। संक्रामक यहां पे कर दू, जगह नहीं है तो यहां पे लिख रहा हूं। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक, संक्रामक पहले संक्रामक का कंडीशन लिख देना, x, y belongs to R तथा y, z belongs to R। उस केस में हमको क्या मिलना चाहिए, x, z belongs to R मिलना चाहिए, ये y से y को नहीं लेते। अब देखो मैं क्या बोला था, जो जो सेम है उसको पास कर दो, एक कॉमा एक को पास कर दो, यहाँ पे दो कॉमा दो को पास कर दो, तीन कॉमा तीन को पास कर दो, चार कॉमा चार, पाँच कॉमा पाँच, छः कॉमा छः को पास कर दो। देखो एक कॉमा दो, दो से शुरू होने वाला कोई है, दो से शुरू होने वाला ये है, दो से शुरू होने वाला ये है, तो ध्यान से देखो, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक कॉमा दो, दो कॉमा दो है, तो ये दो और ये दो को नहीं लेंगे तो क्या बचेगा, एक कॉमा दो, और एक कॉमा दो यहाँ पे है, ये पास हो गया, ठीक है। एक कॉमा तीन, तीन से शुरू होने वाला कोई है, ये है तीन से शुरू होने वाला, तो एक कॉमा तीन, तीन कॉमा तीन, इस तीन और इस तीन को नहीं लेंगे, बाद वाला तीन और पहले वाला तीन, तो क्या बचा, एक कॉमा तीन बचा, ये एक कॉमा तीन है, इस आर में पास हो गया। एक कॉमा चार, चार से शुरू होने वाला कोई है, ये है चार से शुरू होने वाला, तो देखो एक कॉमा चार, चार कॉमा चार, पहला चार, ये बाद का चार और पहला चार नहीं लूंगा, तो चार कॉमा चार ये हट गया, तो एक कॉमा चार बचेगा, एक कॉमा चार है। एक कॉमा पाँच देखो, अब एक कॉमा पाँच, पाँच से कोई शुरू हो रहा है, ये पाँच से शुरू हो रहा है, तो बाद वाला पाँच, पहला पाँच नहीं लूंगा, तो एक कॉमा पाँच बचा और एक कॉमा पाँच है इस। एक कॉमा छः देखो, इसमें लिखोगे आप लोग, लिखोगे आप लोग कैसे लिखोगे, पूरा तो लिख के नहीं दिखाएंगे, पूरा तो लिख के नहीं दिखाते हैं, दो मिनट रुको। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, देखो आप लोग एक तो चीज़ लिख के बता देंगे, जैसे एक कॉमा दो बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे दो से शुरू होने वाला क्या है, ये टू कॉमा टू, टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर implies that, ये दो और दो को नहीं लिखेंगे तो एक कॉमा दो बिलोंग्स टू आर, ये एक ठोक को हम लोग बता देंगे। अब फेल होने का इंतजार करेंगे, एक कॉमा सिक्स, सिक्स से ये है, सिक्स और सिक्स कट गया तो वन कॉमा सिक्स, ये भी पास हो गया, ध्यान से देखते रहना। टू कॉमा टू तो पास था, टू कॉमा फोर, फोर से शुरू होने वाला कोई है, ये है फोर से शुरू होने वाला, तो ये फोर और फोर को नहीं लिखूंगा तो टू कॉमा फोर आएगा, देखो टू कॉमा फोर है क्या कहीं पर, ये देखो टू कॉमा फोर पास, टू कॉमा सिक्स, सिक्स से शुरू होने वाला कौन सा है, ये है, तो बाद वाला सिक्स और पहले वाला सिक्स नहीं लूंगा तो टू कॉमा सिक्स है क्या कहीं पे, टू कॉमा सिक्स है क्या, यही है टू कॉमा सिक्स बार पास हो गया। थ्री कॉमा सिक्स, सिक्स से शुरू होने वाला कोई है क्या, ये है,
तो सिक्स और सिक्स को नहीं लिखूंगा तो थ्री, तो यहाँ पे ये भी पास हो गया है ना, थ्री कॉमा सिक्स है और सिक्स कॉमा सिक्स है, तो ये सिक्स और सिक्स नहीं लूंगा तो थ्री कॉमा सिक्स आया और थ्री कॉमा सिक्स भी पास हो गया। अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है, लिखो। तो आप लोग को ये मैं पूरा करवा दिया, ये दो क्वेश्चन बेहतरीन टाइप से करवाया जिसमें आप लोग पूरा समुच्चय ए और समुच्चय बी निकालना सीख गए, और भाज्य वाला आ गया तो कैसे करना है मैं आप लोगों को बताया। और ये क्वेश्चन थ्री आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थ्री आप लोगों का होमवर्क है, इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या ये स्वतुल्य सममित है, तुल्यता है। तुल्यता का मतलब होता है कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, ठीक है, ये होता है। तो आप लोग को ये ऑप्शन देखना है और आप लोग पूरा करोगे, ये ऑप्शन में बना दिया हूँ, ये ऑप्शन में बना दिया हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे इससे, वस्तुनिष्ठ नहीं आएंगे, पूरा करके बताना, पूरा करके बताना। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछ दिया ये मैं दे देता और बताता यह तुल्यता है कि नहीं जांच करो, तो फिर आपको स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों चेक करना पड़ता, तो आप लोग वही सोच के करेंगे, सिर्फ ये वस्तुनिष्ठ सोच के नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप लोग अगर स्वतुल्य के बारे में जाएंगे तो स्वतुल्य के बारे में खुद का खुद से कनेक्शन, तो मतलब ये दे दिया है समुच्चय ए दे दिया है, एक समुच्चय काफी है मेरे को, किसके लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, एक समुच्चय है मतलब एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, देख लेना यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं सममित की, सममित में जो दिख रहा है उसका उल्टा भी होना चाहिए, तो आर में देख लेना जो दिख रहा है उसका उल्टा भी है क्या, हुआ तो ठीक पास हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। और संक्रामक में देख लेना है, संक्रामक में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और इधर वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज जेड क्या मिलना चाहिए, एक्स कॉमा जेड, ऐसे रटा हुआ होना चाहिए। और रटा कैसे, ऐसे देख देख के रटना नहीं, प्रैक्टिस कर करके रटना, गणित में रटने का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस कर करके इतना उसमें निपुण हो जाओ कि रटा जाए, ठीक है, ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट टाइप का नहीं रटना है। और अगर सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे बना कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं बना तो इसका मैं वीडियो आप लोग को दे दूंगा। तो अभी मैं दो वीडियो दिया और दो वीडियो में संबंध वाला जो चैप्टर है ना, हम लोग का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को फलन बताने वाला हूँ। तो ठीक है, हमारी गणित की जर्नी तो शुरू हो गई है मिशन 2023 के लिए। तो आपको ये दो वीडियो दिया, मैं दो वीडियो में पूरा संबंध का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बताया है ना, खास करके इसको देखना है, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन वन को पूरा बेहतरीन टाइप से हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, बस आप लोग बने रहिए, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। और आप लोग और क्या चाहते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन चाहते हैं वो जरूर बताइएगा, हम जितना हो सकता है आपकी हेल्प करेंगे। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक फलन के साथ, थैंक यू सो मच।